एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है और क्या इसकी स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से ये पावर पैदा कर रहा है, तो वो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने समझना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं समझा तो जिंदगी में फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये इसमें क्या होता है। देखिए आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है पानी, सर ये पानी कहाँ पर है? तो बेटा ये आपका पानी है, ये जो पाइपलाइन है ना, इस पाइपलाइन के अंदर जा रहा है पानी। जैसे आप लोगों ने अगर कभी जिंदगी के अंदर अगर आप लोगों ने गीजर देखा हो, क्या देखा हो? गीजर। गीजर की अगर मैं बात करूं तो गीजर में एक पाइपलाइन जा रही होती है जो कि पानी ठंडे की जा रही है, एंड देन उसका जो अंदर जो हीटर लगा हुआ है, जो थर्मल उसका वो लगा हुआ है, वो उस पानी को गर्म कर रहा है। सही है, इधर भी ऐसा ही हो रहा है। आपका एक बॉयलर है, ये क्या है, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये बॉइल्स नहीं है, बॉयलर है। आपने इसको हीट करा, हीट कैसे करा? आपने आग लगाई। सर आग कैसे लगाई? आग इस तरीके से लगाई कि आपने फॉसिल फ्यूल्स को जलाया। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या है कि आपने नॉन रिन्यूएबल चीजों को जलाया। सर नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है? तो बेटा कोल, ऑयल, गैस, ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो, कोल, ऑयल, गैस, ये फॉसिल्स कहलाएंगी। तो आपने क्या करा, इनको जलाया। इनकी जलाने की मदद से हीट पैदा हुई। क्या पैदा हुई? हीट। और हीट ने क्या करा, जो ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, उसको गर्म कर दिया। तो पहले आपने समझना है कि थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है कि आपने बॉयलर के अंदर क्या करा, जो ठंडा पानी है उसको गर्म करा। सर कैसे गर्म करा? आग लगा के। सर आग हमने कैसे लगाई? तो फॉसिल फ्यूल्स को हमने आग लगाई और उससे आपके पास क्या हुआ कि पानी गर्म हो गया। पानी गर्म होते 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 पानी गर्म होते 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 कहां पर जाएगा? आगे जाएगा। पानी गरम गरम होते 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 कहाँ जाएगा? आगे। और आगे जाके वो टरबाइन पे हिट करेगा। कहाँ पे हिट करेगा? टरबाइन पर। कहाँ पर? टरबाइन के अंदर। आपके पास, आपने पानी को हीट करा। पानी को हीट कैसे करा? फॉसिल फ्यूल्स को गर्म करके। पानी जब हीट हो गया तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? धुएं में, भाप में, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। स्टीम में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो टरबाइन पे हिट करेगा और टरबाइन घूमेगा। क्या होगा? टरबाइन रोटेट करेगा। जैसे ही टरबाइन रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? जनरेटर। और जनरेटर का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यू आर हीटिंग कोल्ड वाटर, एंड इट इज द कोल्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम व्हिच रोटेट्स द टर्बाइन, जो कि टर्बाइन को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एंड आपके पास जब टर्बाइन रोटेट होता है, व्हेन टर्बाइन रोटेट्स, तो आपके पास जनरेटर इज स्टार्टेड एंड व्हिच प्रोड्यूस, आपके पास जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, प्रोड्यूस। आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि टर्बाइन जनरेटर, टर्बाइन बिजली पैदा नहीं करता। आपके पास जो टर्बाइन है वो क्या करेगा, वो घूमेगा तो जनरेटर स्टार्ट होगा, और जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, बिजली पैदा होगी। तो ये हमारे पास कहानी है जो कि आपको आनी चाहिए। अब सर ये कहानी तो हो गई, इस कहानी के बाद क्या है? देखिए पानी आपके पास यहां से गर्म होके जा रहा था, यहां से कोल्ड वाटर गर्म हुआ, गर्म हुआ, टरबाइन पे हिट करा। टरबाइन जब वो टरबाइन पे हिट करेगा तो वो यहां से निकलकर कंडेंसर में जाएगा। सर कंडेंसर का मतलब क्या है? वो पानी को कंडेंस कर देगा। मतलब ये है कि अगर वो गैस में है तो उसको वापसी वाटर में ले आएगा। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करके टरबाइन को घुमाया, क्योंकि सर टरबाइन गर्म करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट पानी से घुमा लेते हैं। बेटा जो आपके पास गैस होता है ना, उसकी वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है, वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है, इसलिए क्या होता है कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम लोगों ने हीटअप करा, हीटअप करने के बाद कोल्ड वाटर क्या होगा, इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम व्हिच रोटेट्स द टरबाइन एंड इट स्टार्ट्स द जनरेटर व्हिच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास जो कोल्ड वाटर है वो फिर कंडेंसर में जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। हम इसको कूलिंग टावर भी कहते हैं, पेपर के अंदर कूलिंग टावर के नाम से आया था। कूलिंग टावर से ठंडा हुआ और वो वापसी ठंडा होकर यहाँ पर जाएगा, फिर ये वापसी गर्म होगा और ये चेन चलती रहेगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पानी हमारे पास यूजफुल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, गंदा हो जाएगा कुछ, तो हम उसको किसमें छोड़ देते हैं, रिवर्स और के अंदर छोड़ देते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आप क्या बताओगे, थर्मल पावर फॉसिल फ्यूल्स को क्या करता है, यूज करता है। आप हीट कर रहे हो वाटर को, वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में। स्टीम में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इट मूव्स टर्बाइन, इट रोटेट्स टर्बाइन, और जब वो टर्बाइन को रोटेट कर रहा है तो आपकी जनरेटर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आप ये बताओगे, कंडेंसर स्टीम को कन्वर्ट कर देता है इंटू कोल्ड वाटर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो होपफुली आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, और अगर नहीं समझ आया और समझ आ गया तो चिल करें, हम लोग उसके बाद उसका सवाल देखते हैं। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं।
इसके पास्ट पेपर्स हम देख लेते हैं, बस 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। चले, अब अगर हम इसके पास्ट पेपर्स की बात करें तो सर इसके पास्ट पेपर्स के अंदर क्या क्या सवालात जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, तो हम वो देख लेते हैं कि इसके सवालात हमारे पास किस तरीके से आ चुके हैं। जैसे कि हमारे पास, आपके पास ये था सोलर का सवाल, ये हमारे पास था व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय वेव एंड टाइडल पावर। मतलब ये है कि जब आप वेव और टाइडल पावर से कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तो उसके क्या नुकसानात हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब आपको पता है वेव भी आपके पास नॉन रिन्यूएबल है, सॉरी रिन्यूएबल है, और टाइडल पावर जो वेव्स की जो आपके पास पावर आ रही है, जो टाइड्स आ रही है, वो भी आपके पास कौन सी है, रिन्यूएबल है। तो अब रिन्यूएबल के क्या नुकसान होते हैं वो हम नीचे जाके पढ़ेंगे, तो इनशाला आपको आ जाएगा। फिर स्टडी फोटोग्राफ डी एंड ई इंसर्ट। डी अगर आप गौर से देखो तो आपके पास डी वाला कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये डी विंड टर्बाइन है। कौन सा है, विंड टर्बाइन। फिर अगर हम ई की बात करें तो आप बोलोगे ई हमारे पास क्या है, सोलर है। तो आपको उसके नेम देने थे, आपने बोल दिया कि भाई एक क्या है हमारे पास, विंड है, और एक हमारे पास क्या है, सोलर। सही है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो गिव थ्री एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अभी हमने ये नहीं देखा। गिव थ्री डिसएडवांटेजेस, अभी हम ये सब डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको थर्मल का सवाल दिखा देता हूँ कि सर थर्मल का क्या सवाल आ चुका है, ताकि आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाए और आप लोग ये बात पता चल जाए कि क्या सवाल आया। ये देखें, अगर हम ये थर्मल का सवाल देखें तो ये आपके पास पेपर के अंदर आ चुका है, और हमारे पास ये थर्मल पावर प्लांट की पूरी लेबलिंग आ गई है कि सर ये किस तरीके से इसकी लेबलिंग होगी। सही है, तो अब हम इसकी लेबलिंग देखते हैं। अब लेबलिंग के अंदर बच्चा क्या गलती करता है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। जहां पर आपके पास एरो नहीं दिया हुआ और लाइन दी हुई है, तो वो आपने लिखने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास बच्चा ये गलती करता है, वो थोड़ा सा ढेर होशियार बनने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो अब हमारे पास देखें, अगर हम इसका देखें, इस वाली तस्वीर का, तो इस तस्वीर का आपको लाइन दी हुई है, आप बोलोगे ये मेरा क्या है, बॉयलर है, ये मेरा क्या है, बॉयलर। फिर आप क्या बोलोगे कि ये ऊपर जो है हमारे पास, ये ऊपर हमारे पास क्या है, ये चीज, तो यहां से पानी, ठंडा पानी गर्म होकर क्या बन रहा होगा, स्टीम। फिर ये स्टीम जनरेटर से पहले कौन सी मशीनरी होती थी, तो आप बोलोगे टर्बाइन। फिर अगर हम बात करें जनरेटर से सर आगे कैसे चले गए, अल्लाह अकबर सर आपने तो ये हमें पढ़ाया ही नहीं, आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। जनरेटर के बाद मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि हमारे पास जनरेटर के पास बिजली जब पैदा होती है तो वो ट्रांसफॉर्मर्स में जाती है, ट्रांसमिशन लाइन्स में जाती है, तो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन्स तो दिया हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर। और आपको नीचे लेबलिंग के वर्ड्स दिए हुए होंगे यकीनन। सही है, तो ये देखो आपको ये बात बताया कि जनरेटर के बाद बिजली जो है वो ना रिजर्वायर में जाती है, रिजर्वायर पानी वाला होता है डैम से पीछे, वो तो नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, बॉयलर आप ऑलरेडी कर चुके हो, टर्बाइन आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आप स्टीम ऑलरेडी लिख चुके हो, और कूलिंग टावर, जनरेटर से बिजली कूलिंग टावर में तो जाती नहीं है। तो आपका अगर ये पानी ठंडा हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कूलिंग टावर हो गया। बल्कि यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने यहाँ पर लिखना है क्योंकि एरो यहाँ पर बना हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, कूलिंग टावर। सही है, इसको हम कंडेंसर भी कहते हैं, कूलिंग टावर। तो ये थर्मल का हमारे पास सवाल आ चुका है। फिर हमारे पास है एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जैसे हम थर्मल पावर स्टेशन में फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, इज अनसस्टेनेबल। सर ये अनसस्टेनेबल क्या होता है, अब देखो अनसस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये फ्यूचर जनरेशन को काम नहीं आएगा, या फिर ये फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल होगा, या फिर ये अभी की जनरेशन के लिए हार्मफुल होगा, मतलब ये फायदेमंद इतना नहीं होगा। तो आप बोलोगे भाई अगर हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जो साइंस का स्टूडेंट है, अगर हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो आपके पास CO2 कंबशन के अंदर, आप लोगों ने कंबशन जब पढ़ी होगी तो CO2 इज प्रोड्यूस, तो आप बोलोगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और जब इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि पॉइजनस गैस है, तो ये आपके पास अनसस्टेनेबल है, मतलब ये आपके पास फायदा नहीं। फिर फॉसिल फ्यूल्स विल रन आउट, फॉसिल फ्यूल्स विल रन आउट का मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगी, ये तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी तो फ्यूचर जनरेशन को कैसे काम आएंगी, तो इसलिए ये अनसस्टेनेबल है। फिर तीसरी बात आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि हमारे पास इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज होती है। सर इन्वायरमेंटल डैमेज कैसे होती है, तो आप बोलोगे से एयर पॉल्यूशन होती है, आप इससे बोलोगे कि हमारे पास इससे एसिड रेन होती है, ये चीज आप बता दोगे। फिर आप ये बताओगे फॉसिल फ्यूल्स एक्सपेंसिव है, फॉसिल फ्यूल सस्ती नहीं है, दे आर टू एक्सपेंसिव,
तो जब ये एक्सपेंसिव है तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि ये हमारे पास मसला पैदा कर रही है कि अगर आप सारा पैसा अभी जाया कर दोगे, सारा पैसा इस पे लगा दोगे, तो फ्यूचर जनरेशन के पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपकी करेंसी क्या हो जाएगी? करप्ट हो जाएगी। आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी? करप्ट। तो CO2 विल रन आउट। उसके बाद आपने बताया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, फिर आपने बताया इट इज एक्सपेंसिव, फिर आपने ये चीज बता दी कि हमें ये एक्सपोर्ट ये हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से मंगानी पड़ती है, तो इसलिए हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स अनसस्टेनेबल है। सही है, लेकिन ये आप अभी इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ोगे तो आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर हमारे पास है न्यूक्लियर, हमने न्यूक्लियर अभी नहीं पढ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ रिसेंट स्टडी इट वाज स्टेटेड दैट ओवर 46% ऑफ थर्मल स्टेशन पाकिस्तान इज जनरेटेड इन द एरिया अराउंड कराची। व्हाई इज सो मच थर्मल पावर स्टेशन जनरेटेड इन दिस एरिया? तो सबसे पहले कराची, आप ये बोलोगे कि हमारे पास कराची के अंदर ही इतना ज्यादा क्यों है थर्मल पावर स्टेशन? तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल, क्या अवेलेबल है? फॉसिल फ्यूल्स। सर क्यों फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल है? तो आप बोलोगे हमारे पास यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे ऑयल फील्ड लोअर सिंध के अंदर है, वहां से ऑयल रिफाइन हो जाता है और ये सारी चीजें अवेलेबल है। फिर आप बताओगे ऑयल जो इम्पोर्ट होता है वो भी कराची में आता है, तो वो फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज, कराची आपका इंडस्ट्रियल हब है, कराची में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए? थर्मल स्टेशन, पावर स्टेशन ज्यादा चाहिए। फिर आप क्या बताओगे कि हमारे पास यहाँ पे जो है, जैसे आपने कोल फील्ड्स में पढ़ा था, तो कोल फील्ड्स के अंदर आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे कोल फील्ड हमारे करीब है जो कि लोअर सिंध कोल आपके पास है, तो हमारे पास ये कोल फील्ड्स और करीब है। तो आप क्या बताओगे फॉसिल फ्यूल्स है, आपके पास यहाँ पे जो है फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन सी है? ऑयल भी है, इम्पोर्ट हुआ ऑयल भी है, आपके पास जो है वो गैस जो है वो निकल रही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमारे पास जो ऑयल है वो ऑयल वाली बात आपने बता दी, उसके बाद आपने कोयले वाली बात बता दी कि कोयले की फील्ड्स भी अवेलेबल है, और आप बताओगे यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ये आपका इंडस्ट्रियल हब है, ये आपका पोर्ट वाला सिटी है, ये आपका डेवलप्ड सिटी है, तो इधर पावर की जो नीड है वो काफी ज्यादा है। सही है, तो आपने ये सारी उसकी तीन बातें बता दी। फिर हमारे पास है व्हाट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड व्हेन देयर आर मेनी लार्ज थर्मल पावर स्टेशंस इन वन एरिया। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक ही एरिया के अंदर मैं बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशंस बना दूं तो क्या नुकसान हो सकता है? तो आप नुकसान बता दोगे, सबसे पहले आप ये बताओगे कि एयर पॉल्यूशन होगी। सर एयर पॉल्यूशन क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है जब भी फॉसिल फ्यूल जलती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो एयर पॉल्यूशन तो होगी। अगर एक ही जगह पे बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन है तो इतनी ज्यादा गैसेस निकलेंगी और ज्यादा से ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगी, तो एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगी। दूसरी बात आप क्या बताओगे कि हमारे पास जो रिजर्व्स होंगे उस एरिया के, जैसे अगर मैं कराची में बना रहा हूँ तो कराची के अंदर जितना भी कोल ऑयल गैस होगा वो रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, वो रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें बता दूंगा। फिर आप क्या बताओगे कि अगर हमने एक ही उसके अंदर सारी चीजें बना दी तो आपके पास रीजनल डिस्पैरिटी आ जाएगी। सर रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि लोग ये कहेंगे कि आप एक उसको बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो। जैसे अभी अगर हम बात करें तो जो कराची के लोग हैं उनको ये बात पता है कि कराची के लोगों का बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है, लेकिन टैक्स लेने के बाद भी हमें कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई प्रॉपर चीज नहीं मिल रही डेवलप, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा पैसा यहाँ लग रहा है, हमारा हम मतलब अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। अगर हमारे पास एक ही जगह पे कराची बहुत डेवलप हो गया तो लाहौर बोलेगा यार मैं क्यों डेवलप नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों पैसा नहीं लगाया, इस्लामाबाद कहेगा मेरे ऊपर क्यों पैसा नहीं लगाया, तो एक ही जगह पे डेवलपमेंट हो जाएगी तो रीजनल डिस्पैरिटी आ जाएगी, लोगों के अंदर वो आ जाएगा। उसके बाद आप क्या बताओगे कि अगर आपने बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन बना दिए तो उससे क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कैसे कम हो जाएगी? देखिए हर सिटी का एक बजट होता है, आपने एक ही सिटी के अंदर दबा के थर्मल पावर स्टेशन लगा दिए तो आपके पास दूसरे जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो रुक जाएंगे। आप एक वर्ड यूज करते हो कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है कि आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे या फिर डिले हो जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी क्योंकि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट उसमें लग गई। फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ मूव नहीं हो पाओगे। क्यों मूव नहीं हो पाओगे? क्योंकि आप सारा पैसा तो उसमें लगा चुके, तो आपने ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत दिमाग भी इस्तेमाल करना होता है कि अगर हम